वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हेल्प के साथ आप अपनी वीडियो में से किसी की भी आइडेंटिटी, फेस या फिर बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ। और उस प्रोडक्ट का नाम है AVC Lab Video Blur AI। अगर आपको किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को या फिर स्पेशली किसी एक सिलेक्टिव फेस को ब्लर करना है तो ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत सारे टाइम को सेव कर सकता है। सो इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपके डेफिनेटली काम आएगी अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। सो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे कर सकते हैं डाउनलोड। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होगी कुछ इस टाइप की एक वेबसाइट जिसका नाम है AVC Labs, और इसमें आपने आना है यहाँ पर वीडियो ब्लर AI पे। यहाँ पर आप सबसे पहले इसे करेंगे ट्राई इट फ्री पर क्लिक। सो क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स में जो आपका सेटअप है वो हो जाएगा डाउनलोड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो डाउनलोड करने के बाद इसे आप कर लेंगे इंस्टॉल। सो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप का एक आइकन आपको मिलेगा AVC Lab Video Blur AI का, इसे आप करेंगे ओपन। ओपन करने के लिए सिंपल हम करेंगे क्लिक। सो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ डाउनलोड्स हो रही हैं, कुछ फाइल्स। उसके बाद अब हम इस सॉफ्टवेयर को करेंगे स्टार्ट और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हमने इस सॉफ्टवेयर को करना है यूज, किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर हमारे काम आ सकता है किसी भी आइडेंटिटी, डिटेल या फिर बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। सो यहाँ पर जो हमारी फाइल्स थी वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पर आप ड्रॉप करेंगे अपनी उस फाइल को जिस फाइल के बैकग्राउंड को या फिर किसी भी आइडेंटिटी या फिर डिटेल को आप ब्लर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आएंगे ब्राउज पे। सो यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है, इसे मैं कर लूंगा सिलेक्ट। सो इस वीडियो फुटेज पर हम अप्लाई करके देखेंगे फेस ब्लर, फिक्स पॉइंट ब्लर एंड बैकग्राउंड ब्लर। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेस ब्लर किस तरीके से वर्क करेगा और उसका रिजल्ट किस टाइप का हमें मिलता है। और जो हम वीडियो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली मूविंग वीडियो है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आप मूवमेंट देख सकते हैं, कितनी मूवमेंट आपको दिख रही होगी। अगर हम इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते तो हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती या फिर रोटो ऑप्शन का यूज करना पड़ता। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे फेस ब्लर को, उसके बाद आप आएंगे नीचे यहाँ पर स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में आपको ऑप्शन मिलेगा एक स्टैंडर्ड का और उसके बाद ब्लर का। हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ब्लर को। ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे नीचे ऐड फेस ब्लर पे, इसके ऊपर आप कर देंगे क्लिक। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अभी हमें नहीं दिख रहा, वो हमें दिखेगा यहाँ पर प्रीव्यू में जब आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक। सो क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स में जो हमारा रिजल्ट है वो होगा हमारे सामने। सो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर फेस ब्लर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली इसने हमारे इस सब्जेक्ट के फेस को ऑटोमेटिकली ट्रैक किया और उसे कर दिया ब्लर। कुछ सेकंड्स लगे, कुछ मिनट्स भी नहीं लगे, कुछ सेकंड्स में इसने प्रॉपरली फेस को ब्लर कर दिया है जो कि है आपके सामने। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिक्स पॉइंट ब्लर का। सो फिक्स पॉइंट ब्लर को आप किस तरीके से यूज करेंगे अपनी वीडियो में, सो वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। सो वीडियो में बने रहिए। सो फिक्स पॉइंट ब्लर के लिए आप आएंगे यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड में, फिक्स पॉइंट ब्लर पे आप करेंगे क्लिक। सो फिक्स पॉइंट ब्लर को आप एक स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारी वीडियो और इस वीडियो में जो ये कार की जो नंबर प्लेट है, सो इसे अगर मैं ब्लर करना चाहता हूं तो मैं इस ऑप्शन का यूज कर सकता हूं जिसका नाम है फिक्स पॉइंट ब्लर। उसके लिए आप इस तरीके से अपने उस पोर्शन को करेंगे सिलेक्ट। एक स्पेसिफिक पोर्शन को ब्लर करने के लिए आप इस फिक्स पॉइंट ब्लर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरीके से इसे कर लिया सिलेक्ट। सो सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड में, आपको मिलेगा ब्लर। सो ब्लर को आप करेंगे सिलेक्ट। सो सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर ऐड फिक्स पॉइंट ब्लर टास्क पे आप कर देंगे क्लिक। सो क्लिक करते ही जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा हमारे सामने जब हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे। सो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो होगा हमारे सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर नंबर प्लेट थी वो प्रॉपरली ब्लर हो चुकी है।
आप देख सकते हैं। सो इसी तरीके से आप इस फिक्स पॉइंट ब्लर का यूज करके अपनी वीडियो में से किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर कर सकते हैं। सो ये आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो गाइज अब हम अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड ब्लर अपनी इस वीडियो पर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है हमारी वीडियो और इस वीडियो के बैकग्राउंड को करने वाले हैं हम ब्लर। सो वो किस तरीके से करेंगे ब्लर और उसका रिजल्ट किस टाइप का हमें मिलेगा वो आप देखना आगे वीडियो में। सो बैकग्राउंड ब्लर के लिए आप आएंगे यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऊपर मिलेगा बीजी ब्लर, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक। सो क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, बैकग्राउंड ब्लर और फोरग्राउंड ब्लर। अभी हम करेंगे बैकग्राउंड ब्लर को जो कि है हमारा ये सब्जेक्ट और इसके पीछे ये जो बैकग्राउंड है इसको हम करेंगे ब्लर। सो उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड ब्लर, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर नीचे स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में आप सेलेक्ट करेंगे ब्लर को। नीचे आप यहाँ पर आएंगे एड बीजी ब्लर टास्क में, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक। सो क्लिक करने के बाद आपकी एक न्यू लेयर जनरेट हो जाएगी जिसका नाम है बैकग्राउंड ब्लर। और अगर आप देखेंगे तो अभी आपको जो आपका रिजल्ट है वो नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू मोड पे। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड में जो हमारा रिजल्ट है वो होगा हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने। सो गाइस ये है हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि है आपकी स्क्रीन पर। अगर हम इस तरीके से बैकग्राउंड ब्लर करते किसी अदर सॉफ्टवेयर के साथ तो वो सॉफ्टवेयर डेफिनेटली लेता बहुत ज़्यादा टाइम, बट इस सॉफ्टवेयर ने एक सिंगल क्लिक के साथ कुछ सेकंड्स में हमारे जो बैकग्राउंड है उसको प्रॉपरली कर दिया है ब्लर और वो देखने में लग रहा है बहुत ही अमेजिंग। और अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं और उस सेव किए टाइम को किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें जिसका नाम है एवीसी लैब वीडियो ब्लर AI। और आप देख सकते हैं कितना ही अमेजिंगली इसने बैकग्राउंड को कर दिया है ब्लर। सो गाइज ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे कर सकते हैं डाउनलोड। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया वीडियो के साथ। हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए प्रेस। रब राखा।